नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल एन आरजे फाइनेंस पर सो टूडे आफ्टर सो मेनी डेज अगेन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड दिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एक्चुअली आई एम डिस्कसिंग टूडे इन दिस पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो because now we have seen a good downside move in nifty and bank nifty and if you remember in my last two videos or three videos also even in telegram i was telling you that uh, if nifty breaks it can come 14800 and then 14500 levels so today itself nifty has completed almost you know 14640 that is a straight fall also

ओके okay, अगर यहां से देखिए रिवर्सल आता है देन इट्स ओके इट विल अगेन गो फॉर रिवर्सल इन द सेंस देखिए कल मॉर्निंग में आई मीन ओपन हो जाए निफ्टी एंड आफ्टर दैट 9:30 9:45 इफ इट इज ट्रेडिंग अबाउ ऑलमोस्ट यू नो 14,730 लेवल देन इट्स फाइन बट इफ अगेन स्टार्ट्स कमिंग डाउन एंड कमिंग डाउन टिल यू नो टूडे क्लोजिंग लेवल आज का जो क्लोजिंग लेवल है टच करके तो फिर से कहीं ना कहीं दोस्तों ये पूरी पॉसिबिलिटी होगी कि निफ्टी ये जो एक पर्टिकुलर यह भी गैप बचा हुआ है गैप इन देंस यहां पर देखिये एक गैप है ये ब्लू वाला जो आप जोन देख रहे हो ये गैप है तो इस गैप को कंप्लीट करने आ सकता है तो अभी के लिए अगर आप मार्च की देखिए फेबर का तो अगर आप फ्यूचर लेकर के होल्ड करके चल रहे हैं बेटर है उसको एग्जिट कर दीजिए अगर आपने लॉन्ग साइड में फ्यूचर बाई कर रखा है अगर सेल कर रखा है इट्स ओके सेल करने में बस आप एक चीज देखे रहना कि जो निफ्टी है वो 14,730 के ऊपर लगातार ट्रेड नहीं करना चाहिए इफ इट इज ट्रेडिंग अब फोर्टीन <coughs> 730 लेवल फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स बेटर यू कट योर पोजीशन सिंपल नाउ अगर ये डाउन साइड में ब्रेक करता है पांच सौ अस्सी थाउजेंड फाइव एट्टी एंड आफ्टर दैट इट विल शो यू नेक्स्ट लेवल फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टेन और 20 आई I मीन mean, 14,510 से लेकर के 520 तक के बीच में आपको ये लेवल दे सकता है अब उसके बाद भी देखिए ये इस तरह से चूंकि कोविड न्यूज जो है लॉकडाउन का बार बार ये सुनने को मिल रहा है उसका भी कहीं ना कहीं आज इम्पैक्ट था जो सेलिंग दिखी प्रॉफिट बुकिंग दिखी लोगों की तो ऐसे में दोस्तों अगर 14,500 लेवल को भी ये ब्रेक करता है देन इट इज कमिंग ऑलमोस्ट फोर्टीन अब देखिए ये लेवल अगर आपने वीडियो देखा है आ, पूरा देख रहे हैं तो लेवल आपको मिल गए होंगे और यही लेवल आप एक जगह नोट कर लीजिए और इनको जब आप कल ट्रेड कर रहे होंगे तो इन लेवल्स को खास तौर से ध्यान में रखेंगे अब एक चीज इसके बाद और है दोस्तों ये 14,480 के आसपास अगर ये 484.70 के नीचे क्लोजिंग आती है उसको ब्रेक कर देगा देन देयर इज अ गैप और ये गैप फिल करने फिर निफ्टी आ सकता है और ऐसे केस में आपको 14,360 तक के लेवल भी निफ्टी में मिल जाएंगे तो रिवर्सल के जो देखिए मेन मेन लेवल्स हैं वो मैं आपको बता दूं वन लेवल इज द करेंट वन यानी कि फोर्टीन थाउजेंड 14,600 uh, 14, के आसपास से रिवर्सल इसके बाद में दूसरा लेवल होगा रिवर्सल का या बेस्ट सपोर्ट आप बोल दो दैट इज 14,470 का हालांकि चौदह uh, 14,520 14 के बीच में भी एक बढ़िया सपोर्ट है बट वो उतना दोस्तों 10, 20 पॉइंट्स का डिफरेंस ना लेकर के बेटर है हम अपना 14,007, 14,470 यानी 470, 14,470 को अपना सपोर्ट लेकर के चलेंगे 14,470। अब उसके बाद में भी अगर उसके नीचे क्लोजिंग आती है ट्रेड करता है देन नेक्स्ट बेस्ट सपोर्ट फॉर निफ्टी इज फोर्टीन थाउजेंड थ्री सिक्सटी चौदह हजार तीन सौ साठ का लेवल तो ये दोस्तों सपोर्ट लेवल थे में, and, uh, कल अगर मैं आपको बता दू कल बाइंग इन निफ्टी नाउ कमिंग बैक टू बैंक निफ्टी एंड बिफोर दैट इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन ट्विटर टली गो विध दिस सोटेलीग्राम चैनल जो है एनआरजे फाइनेंस टी डॉट मी स्लैश एनआरजे फाइनेंस और ट्विटर में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं विकी एनआरजे यूट्यूब में ऑलरेडी आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना और बेल आईकन जरूर प्रेस कर देना दोस्तों मैंने कई सारी वीडियो डाली है इवन जो लेटेस्ट आप मेरा मन्नापुरम वाला वीडियो देखोगे यस्टरडे आई पोस्टेड दैट वीडियो नो 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 आई थिंक टूडे आई पोस्टेड दैट वीडियो

फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं यूजिंग माई लिंक दैट इज इंपॉर्टेंट एंड उससे भी ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है इफ यू आर गोइंग टू ट्रेड इन दिस अकाउंट देन ओनली यू ओपन अदरवाइज लीव इट यानी कि एक्टिवली आपको प्राइमरी अकाउंट बना करके डीमेट अकाउंट इसको आपको चलना होगा उसी में ट्रेड करना होगा तो एंजल ब्रोकिंग में आप फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप स्टॉक में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड जीरोधा में अगर आपको जीरोधा में ओपन करना होगा तो आप मुझे अपना फोन नंबर और नेम जो है उसको पिंक कर देंगे पहले मैं रजिस्टर करूंगा देन यू कैन ओपन बिकॉज जीरोधा चार्ज यू थ्री हंड्रेड रुपीज सो डोंट लेट इट गो वेस्ट राइट नाउ कमिंग बैक टू अवर बैंक निफ्टी, सो बैंक निफ्टी की अगर बात करें एक ये जो सपोर्ट था वो तो ब्रेक हो गया आज के आज ही ब्रेक हो गया ऑलमोस्ट थर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड का जो लेवल था उसके नीचे दोस्तों क्लोजिंग आ गई है अब बैंक निफ्टी में जो क्लोज जो आपको लेवल अभी भी मिलेंगे वो देखिए एक लेवल जो बिल्कुल इसमें बनता है दैट इज ऑलमोस्ट थर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड का है थर्टी फाइव यानी कि अभी पैंतीस हजार छह सौ के नीचे I mean closing जो है bank nifty की मी जूम इट ओके तो इसकी जो क्लोजिंग आप देख रहे हो ये ऑलमोस्ट आई है पैंतीस हजार एक सौ पैंसठ यानी कि थर्टी फाइव थाउजेंड वन सिक्सटी फाइव सो फ्रॉम थर्टी फाइव थाउजेंड वन सिक्सटी फाइव टू थर्टी फोर थाउजेंड ऑलमोस्ट फाइव हंड्रेड यानी 500, 600 points अभी भी आप मोटे मोटे बैंक निफ्टी में बना सकते हो सो इफ टुमारो मार्केट इज नॉट टेकिंग रिवर्सल एंड इफ बैंक निफ्टी ब्रेक्स थर्टीन थाउजेंड हंड्रेड लेवल यानी थर्टी फाइव थाउजेंड हंड्रेड सॉरी पैंतीस हजार सौ का लेवल ब्रेक करके उसी के नीचे बना रहता है देन यू कैन सिंपली गो फॉर 34,500 फोर थाउजेंड फाइव एंड बिफोर दैट वन मोर लेवल माइनर सपोर्ट दैट इज 34,760 का एक सपोर्ट और रहेगा तो ये दोनों लेवल पे आप अपना स्टॉप uh, लॉस को ट्रेल करके शॉर्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी फ्यूचर को अब बाई कहाँ पे करना है लॉन्ग कहाँ पे करना है तो दोस्तों बैंक निफ्टी में अगर आपको मार्च की एक्सपायरी का फ्यूचर अगर लॉन्ग करना है देन यू विल हैव क्लोजिंग अबाउट थर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड जी हाँ पैंतीस हजार छह सौ के ऊपर की क्लोजिंग का वेट करना तभी फ्यूचर इसका लॉन्ग करना बैंक निफ्टी का मार्च एक्सपायरी का अदरवाइज मत करना देन

60 से लेकर के अगर हम ये वाला सपोर्ट बात करें यानी 33600 ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स इधर हो गए और उसके बाद में 1000 uh, पॉइंट्स यहां पर हो गए और 1100 यानी कि ऑलमोस्ट आने मान चलिए 1500 पॉइंट्स की गिरावट अभी भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है अगर इसी तरह से सेलिंग चलती रही तो हाँ जब ये 1500 पॉइंट्स की गिरावट आ जाए उसके बाद में हम लोग एक बार कंसीडर करेंगे कि क्या ये गैप फिल होगा या फिर क्लोजिंग जो है ये जो हमारा लो बना हुआ है यानी 33,560 के ऊपर की क्लोजिंग आ रही है तो फिर हम लोग वहां से फिर से लॉन्ग करेंगे और स्टॉप लॉस जो इस कैंडल का लो है थर्टी थ्री थाउजेंड फाइव एट्टी इसको बना लेंगे ओके सो गाइज ये थी मेरी एनालिसिस uh, इसके साथ में आप uh, कुछ और स्टॉक्स की एनालिसिस देख सकते हैं अच्छे स्टॉक्स अगर आप पूछेंगे सर कौन कौन से स्टॉक्स uh, मैं एकट कर लू इस uh, uh, इस पर्टिकुलर करेक्शन के टाइम पर तो मैं बोलूंगा देखिए टाटा पावर को बिल्कुल रखिए ऐड करते जाइए एवरी फाइव पॉइंट का डाउन साइड मूवमेंट मिलता है टाटा पावर ऐड कर लो नेक्स्ट स्टॉक सनफार्मा फार्मा को दोस्तों अभी आज उसने 600 का लेवल ब्रेक कर दिया है डाउन साइड में 580 पर उठा लो इसको 580 एट्टी टू फाइव दूसरा होगा 560 का यानी 560 में भी आता है तो फार्मा को उठा लीजिए देन नेक्स्ट नेक्स्ट स्टॉक इफ यू टॉक कोल इंडिया आज मैंने टेलीग्राम पर भी दिया है कोल इंडिया को तो आप उसको भी एकमोलेट करते हुए चल सकते हैं मन्नापुरम को उठा लो एंड उसके बाद में कई सारे दोस्तों स्टॉक्स हैं जैसे कि बैंक बड़ौदा अगर गिरता है गिरता जा रहा है उसको हर यू नो फाइव पॉइंट्स के डाउन साइड पे उठाते जाइए एंड देन चोला मंडलम फाइनेंस उठा सकते हो हाँ चोला फिन का आज मैंने एक देखिए शेयर किया है तो बेटर है आप उसको चार्ट को देख लो और वहां पे मैंने लेवल दे दिए हैं आई थिंक लेट मी चेक मैंने यहां पर शेयर किया या फिर टेलीग्राम में जी हाँ चोला फिन का आप देख सकते हो ये ब्लू लाइन जो है वो सपोर्ट एसएल रहेगी स्टॉप लॉस रहेगा चोला फिन में और जो रेड लाइन हैं वो हमारे टारगेट्स हैं चोला फिन में इसीलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ ट्विटर पे भी अगर आप फॉलो करते हो तो आपको कई सारी अपडेट्स वहां भी मिलेंगी आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट मिलते जाएंगे तो ये सारा कॉम्बिनेशन आप फॉलो करते रहो आपको चीजें मिलती रहेंगी और हाँ वीडियो लाइक हो तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर देना बाकी जो स्टॉक्स आपको जो एड कर सकते हैं इस गिरावट में वो मैं टेलीग्राम में पिंक करता जाऊंगा और ट्विटर में भी अपडेट करता रहूंगा थैंक यू गाइस